हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम जो हमारा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है और सेकंड लेक्चर है, उससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमको कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं, उसके अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना है, उसके अंदर हमको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, CMI, कोऑर्डिनेशन नंबर, लीगेंड एंड इट्स टाइप, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन मतलब CMI का, ये सब हमको कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर एक बार आप लोगों का कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले इस कंपाउंड को तोड़ा मैंने, तोड़ दो, यहाँ पर क्या बनेगा 3K+, और यहाँ पर क्या बन जाएगा Fe, बोलो जल्दी से, FeCN6 3-। अब इस कंपाउंड को तोड़ो, इस कंपाउंड को तोड़ो, यहाँ पर क्या बनेगा CrNH3 6, यहाँ पर हो जाएगा 3+, और यहाँ पर हो जाएगा 3Cl-, ठीक है, 3Cl-, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका ZnNH3 4 2+, और यहाँ पर हो जाएगा SO4 2-, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, CrCO6, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का CdEn2, और यहाँ पर क्या करेंगे +2, और यहाँ पर 2Cl-, ठीक है। अब एक एक करके आइडेंटिफिकेशन हम लोग निकालते हैं सारे कंपाउंड्स का, एक एक करके तुरंत हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमको CMI बताना है, तो CMI यहाँ पर कौन है, सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पर CMI कौन सा होगा, इसमें CMI कौन सा होगा, इसमें हमारा CMI कौन सा होगा, इसमें हमारा CMI कौन सा होगा, तो सेंट्रल मेटल आयन, तो यहाँ पर Fe होगा, यहाँ पर Fe होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका Cr होगा, यहाँ पर आपका Zn होगा, यहाँ पर आपका Cr होगा, यहाँ पर आपका Cd होगा। लेकिन अभी CMI के ऊपर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बनाना बाकी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद इसके ऊपर मैं चेंजेस करूँगा, ठीक है। तो ये तो मैंने CMI निकाल लिया जनरली, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल आयन का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। अब इस कंपाउंड के अंदर आपका लीगेंड कौन सा है, लीगेंड आपका कौन सा है, लीगेंड आपका है बच्चों CN, ठीक है, लीगेंड आपका कौन सा है CN, और ये किस टाइप का है यूनिडेंटेड, किस टाइप का है यूनिडेंटेड, यहाँ पर लीगेंड आपका किस टाइप का है बच्चों, लीगेंड आपका NH3 है, NH3 है, ये भी आपका कौन सा है यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड, और न्यूट्रल लीगेंड, इसको क्या बोलेंगे न्यूट्रल लीगेंड, और यहाँ पर लिगेंड के ऊपर माइनस चार्ज, मतलब ये आपका कौन सा है एनायनिक लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, या फिर एनायनिक लिगेंड भी बोल देते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं एनायनिक, मतलब ये बात भी ध्यान रखो। यहाँ पर लिगेंड आपका कौन सा है बच्चों, यहाँ पर लिगेंड आपका कौन सा है NH3, NH3 किस टाइप का लिगेंड है यूनिडेंटेड लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, और किस टाइप का न्यूट्रल टाइप का, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। अब यहाँ पर लीगेंट, लीगेंट आपका कौन सा है बच्चों CO है, जो कि आपका कौन सा है यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड, और आपका न्यूट्रल लीगेंट है, कौन सा लीगेंट है न्यूट्रल लीगेंट है। ये वाला लीगेंट आपका किस टाइप का है बच्चों, ये वाला लीगेंट है आपका, यहाँ पर लीगेंट है EN, वो EN का नाम क्या होगा इथाइलिन डायमाइन, और ये क्या होगा बच्चों आपका बाईडेंटेड, मतलब दो डेंटिसिटी होगी, बाईडेंटेड बाईडेंटेड, और क्या होगा बच्चों ये आपका न्यूट्रल लिगेंड होगा, ये भी आपका न्यूट्रल है, तो यहाँ पर एनायनिक एक ही है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को डील करना है। देन आफ्टर यहाँ पर फिर से आगे का देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आगे का सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर डील करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे का बात, आगे क्या है बच्चों, हमने CMI निकाल लिया, लिगेंड एंड इट्स टाइप निकाल लिया, अब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर मैं यहाँ निकाल लेता हूँ एक साथ, ये मेरा लिगेंड का टाइप हो गया, ठीक है, लिगेंड हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं कैसे निकालूंगा बच्चों देख लेते,
अब देख लेते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे रिलेटेड, आप लोगों को इस क्वेश्चन को अब अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, सी एन ए, कितने, सिक्स है, सिक्स मल्टीप्लाई बाई ये कौन सा है, यूनिडेंटेड, मतलब वन, कितना हो जाएगा सिक्स। इसका बताओ यहाँ पर ये कौन सा लिगेंट है, यहाँ पर यूनिडेंटेड है और छः लिगेंट है, तो छः सिक्स इंटू वन कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर सिक्स, यहाँ पर यूनिडेंटेड है और कितने लिगेंट है, चार लिगेंट है, तो फोर इंटू वन कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर फोर। यहाँ पर यूनिडेंटेड है, कितने लिगेंट है, छः, तो सिक्स इंटू वन कितना हो गया बच्चों, ये आपका सिक्स। यहाँ पर बाइडेंटेड है और यहाँ कितने लिगेंट है, बाइडेंटेड है और ये दो है, तो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर आपके हैं बाइडेंटेड है और दो लिगेंट है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर चार। तो ये आपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इस लिगेंट का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन हम आगे की और आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, लेकिन अभी हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर आगे समझना है, इससे इससे आगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर और इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो तरीके से समझेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मुझे यहाँ पर किसका, Fe का, इस कॉम्प्लेक्स को निकाल लो, इस कॉम्प्लेक्स को निकाल लो, ठीक है। एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स को निकालो तो ये आपका किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बोला है मैंने, तो ये यहाँ पर आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आपका कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आपका कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, ये आपका कौन सा होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये आपका कौन सा होगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स का टाइप। अब यहाँ पर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे बच्चों, अब मुझे कॉम्प्लेक्स निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पर Fe CN6 थ्री माइनस, अब मुझे Fe का निकालना है, तो Fe का क्या मान लूँगा बच्चों में, Fe को मान लूँगा बच्चों में यहाँ पर X, इसको मैंने मान लिया X, CN के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस वन, CN के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस वन, तो यहाँ पर छः CN था, तो सिक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों प्लस थ्री। अब जो मेरा CMI है इसके ऊपर मैं क्या लिखूँगा प्लस थ्री, ये एक्चुअली में मेरा CMI बना, ठीक है। अब लास्ट क्लास में मैंने चार्ज बनाया था और मैंने बताया था इसको हम बाद में डील करेंगे। आगे देखो बेटा CR वाले में कैसे करेंगे, CR NH3 6 थ्री प्लस, ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस सिक्स इंटू जीरो, ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस थ्री, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों प्लस थ्री। अब देखो यहाँ पर CR के ऊपर चार्ज कितना आया प्लस थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर Zn, Zn NH3 फोर प्लस टू, तो यहाँ पर Zn का क्या होगा बच्चों x 4 इंटू जीरो इक्वल टू प्लस टू, देन x इक्वल टू क्या होगा बच्चों प्लस टू, तो यहाँ पर Zn के ऊपर कितना चार्ज आएगा बच्चों प्लस टू। अब ये हमारा CMI होगा, ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं, यहाँ पर CR CO 6, अब ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो कितना चार्ज होता है बच्चों जीरो होता है, ये बात भी आप लोगों को बताया है। यहाँ पर एनआईन के लेकिन माइनस वन चार्ज के साथ, ये भी आपका न्यूट्रल है, तो यहाँ पर इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ पर तो जीरो चार्ज है ना, यहाँ पर आपका जीरो चार्ज है, यहाँ पर आपका जीरो चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बोलो एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये वाला बताओ सी डी ई एन ट्वाइस, तो सी डी ई एन टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सी डी ई एन टू प्लस टू, ठीक है, सी डी का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका एक्स टू इंटू, अब ई एन के ऊपर चार्ज कितना होता है न्यूट्रल लिगेंट है, तो यहाँ पर जीरो
प्लस टू, तो x के ऊपर कितना आया बेटा प्लस टू। अब देखो यहाँ पर cr के ऊपर कौन सा चार्ज लेंगे, जीरो, और यहाँ पर प्लस टू। अब ये मेरा पूरा जाके cmi बना, ठीक है। आपसे जब भी पूछेगा cmi तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को डील करना है। ये लेक्चर वन और लेक्चर टू का कंबाइन आपका एक क्वेश्चन है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने अगर इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आई होप कि अब आपसे इससे अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, हर लेक्चर, हर दो लेक्चर के बाद मैं ऐसे कोई क्वेश्चंस बनाऊंगा और ऐसे क्वेश्चंस के लेक्चर भेजूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस मिले और अच्छे से आप सब क्वेश्चंस को डील कर पाओ। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।